चले नागिन फिर आगे चल रहे नागिन। तो आइए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और नए पड़ाव की ओर चलते हैं। कैसा लग रहा है नागन बाबू? एक नंबर भाई, बहुत बढ़िया। ये हनुमान जी वाला रोड है, अपन वही चल रहे। इधर इधर ले, ये देख पूरे कच्चे रास्ते, ऐसी गाड़ियों के लिए सिर्फ नेक्स्ट वन ही बनी है। हाँ हाँ, गए एडवेंचर करने। ये जो है ये एक्चुअल में पूरा वो वन्य प्राणियों वाला मामला। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, कब कौन सा जानवर आ जाए आ जाए, अपन मतलब समझ ले डिस्कवरी सफारी वाला काम है अपना। बारिशों में भयानक बारिश में जब कोई नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ तो, और ये इन सब में ना वो झरने जैसा पानी बह जा रहा है, उसे में बीच बीच में वो कहीं पानी वाले सांप दिख जा रहे हैं, कहीं लंगूर दिख जा रहे हैं। हाँ, सब भयानक। अबे ये सारा काम मैं अकेले कर चुका हूँ, वीडियो आप बनाना चालू किया, समझ आए कि नहीं? थोड़ा सा ध्यान रखा कर यार। पहले जाना पाओ का रास्ता ऐसा था जैसा ये आज है। हाँ हाँ बिल्कुल। और ऐसे पे जाना मतलब बहुत भारी। ये हम ऐसे रोड पे आए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं था ऊपर। केवल एक मंदिर जो था वो था और ऐसे कुंड था बस। हमारे साथ क्या हिटी थी मालूम तेरे को? यहाँ पे हमने बनाई थी दाल बाटी। यहाँ पे दाल बाटी बनाई तो बारिशों का टाइम था भाई। खूब घना हरियाली, वो नीचे कंडे जला, धुआं हुआ, ऊपर छत्ता था मधुमक्खियों का। पूरा भैया भगे, तो ईश्वर की दया से कुछ नुकसान नहीं पहुंचा उन्होंने। फिर हमने तुरंत मतलब हल्का सा ही हुआ ही था, फिर बंद किया उसको, फिर दूसरा स्पॉट ढूंढा, फिर वहां पर सुलगाई कंडा। लोग कहां का मकान बना के जाते हैं यार। अबे तू सोच, यहाँ पे लोग हजारों साल पहले रहते थे, तपस्या करते थे, मतलब कितने बहादुर लोग। क्या बहादुर लोग थे यार। पर वैसी वनस्पतियां भी होंगी नागिन, वैसा मतलब। अच्छा आज जैसे ये सूखा पड़ जाता तब तो मेरे को लगता है 12 महीने हरियाली ही रहती होगी। हो सकता है भाई, जो भी हिसाब किताब, पर हाँ। क्या है, बिना बिजली के, बिना किसी सुविधा के, हाँ यहाँ पे रहना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। तू वो देखता है डिस्कवरी पे मैन वर्सेस वाइल्ड? हाँ, वो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है यार। हाँ, पर वो भाई 1 घंटे का है। हाँ समझ, वो 1 घंटे का है, यहाँ तो लाइफ ही यही गुजारना है। हाँ सही बात। अब तो सोच, यहाँ किसी को बुखार भी हो जाए तो आदमी कहाँ जाए, कहाँ जाए? अगर अगर आप गाड़ी घोड़ा हटा दो। पर नागिन मेरा ऐसा सोचना है कि वो फिर आम लोग भी नहीं थे। यही मैं बोल रहा हूँ, वो खास लोग थे, वो बहुत खास लोग थे जो यहाँ रह के चले गए, चले गए, जिनके यहाँ पर आश्रम है, आम लोगों के बस की बात, इतिहास है, वो सब बहुत लेजेंडरी लोग, लेजेंडरी लोग थे। अब हमारा तो ऐसा है कि मोबाइल अगर भूल जाए घर पे तो दिन भर कहीं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। सही बात है। अच्छा यहाँ से कंक्रीट रोड बनी हुई है यार।
थोड़ी दूर है बस। गजब है यार, यहाँ पे रोड बनी हुई बहुत बड़ी बात है रे लागे। अरे भाई तू बारिश में आता है ना तो आधे रास्ते से मना कर देता है, वही चल जाने दे नहीं बनाएंगे। मैं तो बारिश में आऊंगा अकेले ना, बता भयानक डेंजर और मैं अकेले ही रहता हूँ एक तो, और ऐसी बारिश और बुरा घना ये समझ रहे, कब कौन सा जानवर आके खा जाए, मैं तो घर वालों को बताता ही नहीं हूँ कि मैं अकेले इधर गया था। ना कि नहीं वही झाड़ है जो अपन ने उधर देखा था ना। ये कनेर लगा पीला कनेर नहीं, ये तो मंदिर का सब लगा है, वो क्या था वो पता नहीं, कनेर का झाड़ लगा हुआ मंदिर का। यहाँ भी लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। ओम सारा अंकल, क्या जगह है यार, प्रकृति के बीच में दोनों भाई बैठ के आराम करते हुए जय श्री राम जिंदगी के मजे लेते हुए, ना शहरों का शोरगुल, ना काम की टेंशन, ना फोन की घंटियां, ना किसी के मम्मी और ना किसी की आंटियां। क्या बात है सही